गरीबी की जंजीर को तोड़ने का एक ही रास्ता है और वो है नौकरी। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यानी ACS। मैं आपका स्वागत है। मास्टर नोट्स एंड स्मार्ट वीडियो कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं और मैं हम जानते हैं इस वीडियो में उसका मैट्रिक के बाद ITI करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहिए। ITI के बाद मतलब कि इतने ज़्यादा सवाल होते हैं स्टूडेंट लोगों के कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको इंटरमीडिएट के बाद ITI चलेगा या फिर मैट्रिक के बाद ITI चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ITI जो है वो मैट्रिक के बाद चलेगा। वैसे मैट्रिक के बाद आप किसी भी जगह पढ़ रहे हो तो भी आप ITI कर सकते हो, मैट्रिक के बाद भी कर सकते हो या फिर इंटरमीडिएट के बाद भी या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी, आप जब चाहे तब आप ITI कर सकते हो। ITI करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका मैट्रिक, मैट्रिक प्लस ITI या फिर मैट्रिक बाद जो भी किए ITI कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका कन्फ्यूजन दूर। अब देखिए मैट्रिक में परसेंटेज मैंने दूर कर दिया, मैट्रिक बाद ITI चलिए। अब देखिए ITI का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेड है वो कौन सा है। तो ITI की जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेड है वो मैं आपको बता दूँ। नंबर वन, अगर आप ITI करने जा रहे हैं, अगर आप ITI करने वाले हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट कीजिए। आप इलेक्ट्रीशियन को नंबर वन में सेलेक्ट कीजिए। नंबर टू में आप सेलेक्ट कीजिए फीटर को और नंबर थ्री में आप सेलेक्ट कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक्स एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इन रेडियो टीवी, दोनों से आप बन सकते हैं लोको पायलट, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक ज़्यादा बेहतर है। तो ये रहा आपका तीन ट्रेड। और चौथा जो ट्रेड है ये है आपका डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक, तो अगर आप डीजल मैकेनिक से करते हैं ITI तो ये जो कोर्स है डीजल मैकेनिक ये होती है सिर्फ और सिर्फ एक साल की। तो अगर आपका उम्र ज़्यादा हो रहा है तो आप डीजल मैकेनिक से कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, मैट्रिक इंटर जस्ट ही किए हैं, 18 से 20 साल की उम्र है 22 साल तक, तो आप 2 साल वाली कोर्स कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका उम्र 25 साल से ऊपर है तो आप डीजल मैकेनिक कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और सिर्फ और सिर्फ एक ही ITI का ऐसा ट्रेड है जिसका नाम है डीजल मैकेनिक, इसके बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। ऐसा कोई भी एक साल वाली ITI ट्रेड नहीं जिसके बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो यानी ये चार में से जो आपको मिलेगा इसमें से कर लीजिए ITI। अब देखिए ITI करने के लिए आपको कैसे करें, देखिए अब ITI के बारे में एक दो कन्फ्यूजन और दूर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ सभी तरह के। और हो सकता है अगर आप इस सब बातों को जान लें तो आप भी किसी स्टूडेंट के कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए बहुत सारे लोग सवाल ITI प्राइवेट से करें या सरकारी से, तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं सरकारी से भी कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, सरकारी ITI करने के लिए और प्राइवेट ITI करने के लिए बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपको प्राइवेट से ITI करनी है तो इसमें आपको पैसे खर्च करना पड़ता है, क्लास नहीं भी कर सकते हैं तब भी चले। लेकिन अगर आप सरकारी से ITI करते हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है, उसमें कोई भी आपको फीस एक्स्ट्रा नहीं लगती है, बिल्कुल कम से कम खर्च में आपका हो जाएगा ITI। और इसमें आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा रहे कि ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त तो है ही, सरकारी है तो मान्यता प्राप्त होगा ही अच्छी तरह से। बहुत बार प्राइवेट कॉलेज का मान्यता रद्द हो जाता है या फिर बहुत सारे फ्रॉड कॉलेज होते हैं, इसलिए आप जरूर से जरूर देख लें। वहाँ के स्टूडेंट जो पास आउट होकर के कहीं नौकरी कर रहे हैं उससे जरूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लें कि ये ITI कितने दिन से चल रही है, कितने साल से चल रही है। बिल्कुल नया जो ITI कॉलेज खुला है उसमें एडमिशन लेने से बिल्कुल बचिए क्योंकि हो सकता है उसकी मान्यता नहीं हो। और आपको तो ये रहा आपको ITI प्राइवेट से भी कर सकते हैं सरकारी से भी कर सकते हैं। सरकारी से करने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा और अभी जस्ट ये जनवरी के बाद या फिर फरवरी में इसका फॉर्म निकलती है भारत के सभी स्टेट में। तो आप लोग अपने अपने स्टेट से ये ITI कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रेड बताया इसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करिएगा। अब देखिए ITI तो हो गया, NCVT या फिर SCVT में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी अंतर नहीं बताया गया है, ये बस प्राइवेट वालों को NCVT थोड़ा ज़्यादा मान्यता देता है। अगर आपको NCVT से कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर आप SCVT कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चॉइस कीजिए NCVT जो कॉलेज करवाती है उसी से करिए। बहुत सारे स्टेट SCVT में S का मतलब होता है स्टेट, NCVT में N का मतलब होता है नेशनल, तो नेशनल तो ज़्यादा बेहतर होगा ये NCVT से। वैसे ज़्यादा कुछ अंतर कुछ भी अंतर नहीं होता सर्टिफिकेट में, वो बस प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिहाज से ये सब चीज़ होता है।
अब अगला सवाल जो है कि लोको पायलट बनने के लिए अप्रेंटिस करना जरूरी है क्या, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास नौकरी का बहुत सारा मौका एक्स्ट्रा मिल पाएगा लोको पायलट बनने के अलावा में भी। अगर आप आईटीआई अप्रेंटिस कर चुके हैं तो इसका लोको पायलट में आपको कोई फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस आपको पास अप्रेंटिस का डिग्री रहेगा और कुछ नहीं। तो अब रहा मैट्रिक आईटीआई के बारे में बात कर लिया, अब मैं बात करता हूं डिप्लोमा कैसे करना है, पॉलिटेक्निक कैसे करना है। तो अब देखिए आईटीआई करते हैं आपको 2 साल वाली, तो इसमें आपको प्राइवेट से करते हैं आपको 70 से 80 हज़ार खर्चे होती है, सरकारी से करते हैं तो आपको 5-10 हज़ार में काम चल जाएगी। डिप्लोमा में भी वही बात है, अगर आप सरकारी से डिप्लोमा करते हैं तो आपका ज़्यादा से कम खर्च लगेगा, अगर आप प्राइवेट से डिप्लोमा करते हैं तो आपको कम से कम 5 लाख रुपये खर्च लग जाएंगे, 3 साल का ये कोर्स होता है। तो अब देखिए डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांच है जिससे आप करने पर आप लोको पायलट बन पाएगा। तो नंबर वन जो अगर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, वैसे आप अपनी चॉइस रखिए, लेकिन अगर आपको नौकरी देने के लिहाज से जो नंबर वन जो ब्रांच है डिप्लोमा का, वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर टू जो है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नंबर थ्री जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नंबर फोर जो है जिससे कि आप मतलब इसको करते हैं, वो है आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर आप इन दोनों से करते हैं तब आप लोको पायलट में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे अनुसार जो डिप्लोमा का जो सबसे मेन जो ब्रांच है जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, वो सब ये चीज़ रहा। और आपको डिप्लोमा किस तरह से करनी है तो इसके लिए मैं भी आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप इसको प्राइवेट से भी कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से। और अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप में टैलेंट है, आप एंट्रेंस टेस्ट को निकाल सकते हैं, तो आप अपने स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट को निकाल लीजिए। ये एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल इजी होती है, इसमें आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप किसी भी स्टेट के इसको निकालने बहुत आसान होता है। आप इसके लिए हमारा ऑनलाइन कोचिंग और नोट्स ले सकते हैं, इसके बाद आराम से आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा के एंट्रेंस टेस्ट, सरकारी एंट्रेंस टेस्ट को आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने बात कर लिया डिप्लोमा आईटीआई के बारे में, और दोनों से आप लोको पायलट बन सकते हैं। ये जो आईटीआई होता है या फिर डिप्लोमा होता है, ये तो आपका मैट्रिक के बाद ही हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंटर के बाद करना चाहिए, ये मैट्रिक के बाद का कोर्स है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो डिप्लोमा का जो कोर्स का जो पढ़ाई होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी उम्र अभी बिल्कुल नया है तो आप मैट्रिक के जस्ट बाद आप डिप्लोमा अप्लाई कर दीजिए, हो सके तो कर लीजिए, अगर नहीं हो पाए तो आप इंटरमीडिएट के बाद आप अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं तो आपका डिप्लोमा में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप 12 के बाद जाते हैं डिप्लोमा करने के लिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगी, आपका माइंड पहले थोड़ा मैच्योर रहेगा, तब आप डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई को कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स होता है, इसमें इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आईआईटी, बीटेक, ये सब कोर्स, मतलब वही सब बीटेक वाली ही किताब पढ़नी पड़ती है आपको डिप्लोमा के लिए। तो अब हम बताएं आपको कोर्स के साथ साथ लोको पायलट की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो डिग्री नहीं, इसलिए तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन अभी आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई या फिर डिप्लोमा का कोर्स अभी आपका चल रहा है, अभी बिल्कुल रनिंग में चल रहा है, आईटीआई का जो कोर्स होता है वो होती है आपका 2 साल का कोर्स होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना पड़ता नहीं, इसलिए स्टूडेंट लोग इसमें बिल्कुल फ्री रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप 2 साल का ये आपका आईटीआई कोर्स भी चलता रहेगा और आप लोको पायलट की तैयारी भी कर पाए। जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट आती है उसके बाद वैकेंसी निकलती है, फिर आप उस वैकेंसी को दे करके आप आराम से पास कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका 2 साल लग जाएगा आपको तैयारी करने में, तो फिर आपका आईटीआई फिर डिप्लोमा किया हुआ बहुत ज़्यादा बेकार चल जाएगा। इसलिए आप आईटीआई और डिप्लोमा के साथ साथ आप लोको पायलट की भी तैयारी कर लीजिए। इसका सिलेबस, इसका कोचिंग मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए देख लीजिए ध्यान से।
तो इसके लिए आप लोग को हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि है मैंने लिखा ये जो मास्टर नोट्स है, ये इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसी में से 90% तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टैली करता है। तो आपको ये मास्टर नोट्स अपने घर पे मंगवाना पड़ेगा। ये ऑल सिलेबस आती है, सभी टॉपिक के लिए आती है मास्टर नोट्स। और दूसरा आपको कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग जो है आपका स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग में होता क्या है कि आपको वीडियो लिंक मिलती है, आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियो लिंक मिलती है और आपको उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इजीली एक बार वहां पर कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। और एक बार में आप सब कुछ सीख लिए तो उसके बाद फिर आपका एग्जाम निकलना बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हमें फ़ोन कर लीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और अगर आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए होगी, तो आप मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर लीजिए। और इसमें से बस थोड़ा थोड़ा बस आप पढ़ते रहिए, फिर जैसे ही आपके पास डिग्री आएगी आप किसी न किसी सरकारी नौकरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी तरह कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप फ्यूचर में लोको पायलट या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन जाए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आपको दे सकूँ और जिसके बाद आपके हर एक प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन निकाल के आप तक पहुँचा सकूँ। और इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर आपके पास किसी और भी कुछ सवाल है तो आप हमें पूछिए, फिर अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच।